इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि वो हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि इस योजना को ना रोका जाए। ये राशन ना आम आदमी पार्टी का राशन है, ना ये केंद्र सरकार का राशन है, ये जनता का राशन है और हमारा मकसद अपना नाम चमकाना नहीं है। और अगर केंद्र सरकार ये चाहे तो वो ये खुद कहेंगे कि ये केंद्र की योजना है, ये राशन बस उन्हें घर घर होम डिलीवर करवाना चाहे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा हैं और बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही संवाददाता भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, एक पहले आपसे मैं कमेंट ले लेती हूं। झगड़ा तो कोई करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी झगड़ा तो हो रहा है ना, कोर्ट में कब तक इस मामले की सुनवाई होगी? देखिए, झगड़ा नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। ये एक सच है कि जो केंद्र सरकार की एक योजना है, एक नियम के तहत, एक कानून के तहत है पूरे देश में, उसमें बदलाव किए बगैर कोई और योजना शुरू करना उसमें परेशानी हो सकती है। लेकिन इसको एक ढाल बना के आप दूसरे राज्यों से झगड़ा कर रहे हैं, कोरोना का वक्त है, मुसीबत का वक्त है, निश्चित रूप से ये विशुद्ध राजनीति इस पे चल रही है। दिल्ली सरकार बहुत दिनों से ये कोशिश कर रही थी कि लोगों के घर तक राशन पहुंचाइए, योजना अच्छी है लेकिन इसका तरीका क्या हो सकता है वो उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। एलजी ने इस पर रोक नहीं लगाई है, एलजी ने सिर्फ ये नहीं बोला कि ये खारिज कर दिया हमने, एलजी ने पुनर्विचार के लिए भेजा है और उसके पीछे दो रीजन बताई है। एक तो कोर्ट में ये मामला चल रहा है और दूसरा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन दिया जा रहा है, उस एक्ट में बदलाव किए बगैर ये संभव नहीं है। तो ये दोनों ही स्थिति ऐसी है जिस पर बात करना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। केंद्र सरकार ये पहले से ही कह रही कि अगर आपको कोई और योजना चलाना है आप चलाइए, उसके लिए अतिरिक्त राशन चाहिए वो भी आपको दिया जाएगा। तो दिल्ली सरकार को अब रास्ता दूसरा अख्तियार करना पड़ेगा बजाय इसके कि आप इसको लंबा खींचें और इससे राजनीति करें। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। विजेंद्र गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल की पूरी बातें जनता ने भी सुन ली, हमने भी सुन ली और आपने भी सुनी होगी। समस्या क्या है, कैसे इसका हल निकाला जा सकता है? क्योंकि मुद्दा एक है कि लोगों को घर घर अगर राशन मिल रहा है तो इसमें तो आम लोगों का फायदा है, गरीब जनता का फायदा है। देखिए, केजरीवाल जी गुमराह कर रहे हैं। मैं लोगों के सामने स्पष्ट बात रख देना चाहता हूं, वन नेशन वन राशन कार्ड ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत देश भर में राशन बांटा जाता है गरीबों को और ये राशन पर, दिल्ली में राशन बंटने पर लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया भारत सरकार गेहूं, चावल, चीनी ये दिल्ली में भेजती है। पहले चीनी सब लोगों को मिलती थी, अब कुछ सीमित लोगों को मिलती है। 1,000 करोड़ रुपया ये पूरे देश में भारत सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ई पॉज सिस्टम लागू किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से, राशन शॉप से वो राशन ले सकता है। मान लीजिए वो मुंबई चला गया माइग्रेट होकर लेबर, तो वो मुंबई के किसी भी दुकान से राशन ले सकता है। वो दिल्ली में अगर रोहिणी से वो शिफ्ट कर गया लाजपत नगर, या गीता कॉलोनी से वो चला गया जनकपुरी, तो वो जनकपुरी की किसी दुकान से ले सकता है। इसके अलावा वो सुबह काम पर निकल जाता है जब फेयर प्राइस शॉप खुलती है और रात को आता है जब बंद हो जाती है उसके घर के पास की, तो जहां वो काम करता है वो वहां से राशन ले सकता है। ये पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम भारत सरकार ने क्रिएट किया है। और ई पॉज भी आपको स्पष्ट कर दूं, ई पॉज के तहत बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसमें आपके आँख और आपके अंगूठे के निशान, आप जैसे ही मशीन पर के सामने खड़े होंगे वो आपको सर्च कर लेगा मशीन और आपको राशन मिल जाएगा। परिवार के किसी भी सदस्य में से एक व्यक्ति, जो राशन कार्ड में जितनों के नाम है उनमें से एक कोई भी व्यक्ति उस मशीन के आगे खड़ा होगा उसको राशन मिल जाएगा। ये जो पूरी योजना है इसको धता बताकर भ्रष्टाचार करने की नीयत से आम आदमी पार्टी ये कदम उठा रही है, क्योंकि ये कोई एक या दो प्राइवेट कंपनियों को, हम ये जानना चाहते हैं, जैसा उदाहरण दिया कि जो पिज्जा है तो पिज्जा कौन डिलीवर कर रहा है, पिज्जा किंग या फिर मैकडोनाल्ड,
या बाकी उस तरह के तमाम कंपनियां जो हजारों हजार करोड़ रुपया पूरी दुनिया से कमा रहे हैं। थोड़ा सा मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल ने विजेंद्र जी एक सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि हमने एक नहीं दो नहीं 30 सेकंड दीजिए जी बोले। अच्छा जी मैं 30 सेकंड में, ये सरकारी राशन भारत सरकार का दिया हुआ प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप कर और इस पूरी योजना में मैं पूछना चाहता हूं कि 156,800 परिवार दिल्ली में भारत सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप अंत्योदय योजना में इनको राशन दीजिए 25 किलो गेहूं और 5 किलो चावल एक राशन कार्ड पे, तो 10 किलो चावल 25 किलो गेहूं 10 किलो चावल दिल्ली की सरकार सिर्फ 68,000 ऐसे परिवारों को भोजन ये राशन दे रही है। ठीक है संजीव जी हमारे साथ हैं, मैं उन्हीं से अब ये सवाल पूछ लेती हूं। अब संजीव जी मुझे एक बात बताएं, केंद्र सरकार की ये एक अग्नि राशन की पॉलिसी चल रही है। एक बात कर मीनाक्षी जी, लास्ट बात 5 सेकंड में, ये कहते हैं घर घर, अभी इन्होंने कल दिल्ली में गेहूं और चावल बंटवाया स्कूलों में 280 स्कूलों में, आपके टीवी ने भी दिखाया, सबने दिखाया, क्या मारकाट हो रही है वहां। जब आप वो अपना जो राशन बांट रहे हैं आप कोविड के समय में, वहां तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और वो घर घर क्यों नहीं बंटवाया। ठीक सर, बात आपकी पहुंच गई है हम तक और संजीव जी ने भी सुन लिया। बंटवाया जा सकता है तो आप घर घर बंटवाते। ठीक है, अब संजीव जी समस्या यह है कि केंद्र सरकार की पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत ये काम चल रहा है। अब अगर आपको वाकई में लोगों तक राशन पहुंचाना था और इतना नेक नियत से काम करना था तो आप अपनी एक और नई पॉलिसी ले आते, आप अपनी एक नई योजना लेकर आ जाते, आम जनता का भी डबल फायदा होता, केंद्र से भी राशन मिलता, राज्य सरकार से भी राशन मिलता। देखिए मैं पहले विजेंद्र जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था और विजेंद्र जी ने ये नहीं समझाया कि गरीबों के घर तक राशन क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आजादी के 75 साल हो गए, भारत के किसी गांव में जाइए या शहर में जाइए आप देखिएगा कि राशन माफिया का हर जगह कहर है और गरीबों को राशन मिलने में परेशानियां आती हैं। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो लगातार 17 साल इस राशन माफिया के खिलाफ अपने अभियान को छेड़ा और कई बार उनपे भी तरह तरह के अटैक हुए, तो मुझे लगता है कि किस तरह से राशन माफिया ऑपरेट करता है अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर दूसरा और कोई समझ नहीं सकता। चूंकि इन्होंने काम किया था, उनकी कोशिश थी कि जो गरीब शिकार हो रहे हैं इस राशन माफिया के कारण उनको राशन ठीक से मिले और घर तक मिले। अब मैं इस स्कीम की बात कर रहा हूं कि 2018 में इस स्कीम को लाया गया और जब स्कीम को लाया गया उसके बाद एक एक स्टेज पे केंद्र सरकार से बात की गई कि हम इस तरह के महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी योजना हम अपनी दिल्ली की जनता को देना चाह रहे हैं। कभी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। जब लास्ट में उन्होंने नोमेनक्लेचर को लेकर एक विरोध किया कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं होना चाहिए क्योंकि एनएफएस एक्ट के तहत यह आता है तो मुख्यमंत्री का नाम हटा देना चाहिए, दिल्ली सरकार ने उसको। संजीव जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए आप ये कंफ्यूजन दूर करें। आप ये वो ही राशन पहुंचा रहे हैं ना जो केंद्र से वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आता है और फिर आप उस राशन को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, एम आई करेक्ट? मैं उस पे भी आता हूँ, उसी को हम घर घर तक डिलीवर करना चाह रहे हैं। एक चीज समझिए आप, ठीक, कि आज फेयर प्राइस शॉप से जाके जनता राशन लेती है, फेयर प्राइस शॉप कभी बंद होता है, कभी कालाबाजारी की शिकायतें आती हैं, कभी राशन नहीं देने की शिकायतें, तमाम तरह की शिकायतें आती हैं और लोगों को कभी राशन कम देने की शिकायतें आती हैं, लोगों को राशन ठीक से समय पे नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की योजना बहुत करीब दिल के करीब योजना था, राशन क्यों ना दें? अगर एक चीज बताइए कि एक अमीर अगर अपने घर पिज्जा मंगा सकता है, बर्गर मंगा सकता है, तो गरीब को भी उनके घर तक राशन देना चाहिए। और उसमें भी जब कोरोना महाकहर पूरे देश में चल रहा है, जब कोरोना का ये कहर चल रहा है, मैं मीनाक्षी जी ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने सवाल पूछिए ना संजीव जी, आप अपने जवाब पूरा करिएगा। देखिए ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, ब्रेक लेना मेरी एक मजबूरी है, भास्कर भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे फौरन हाजिर। संजीव जी एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।
मीनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।